हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज टांगरी नदी का दौरा किया। इस मौके पर अम्बाला उपायुक्त डॉक्टर शालीन, अम्बाला कैंट SDM सतिंदर सिवाज, अम्बाला पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने टांगरी नदी का पक्का बांध बनवाने की बात कही। जब तक पक्का बांध नहीं बनता तब तक पुराने बांध को ठीक कर टांगरी नदी में आई बाढ़ के साथ लग रहे इलाकों को बचाने के आदेश अधिकारियों को दिए। ऐसा ये हमारे इलाके के मौजूद लोग पब्लिक सारे जाके मंत्री जी से मिले थे और मंत्री जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं बाढ़ में आऊँगा और सारा मौका देख के जो भी इमीडिएट रिलीफ मिलेगा वो देंगे। आज वो चंदपरे से लेके रामगढ़ माजरे से लेके और रामपर तक सरसेड़ी में, रामपर में, चंदपुरे में सारा मुआयना करके गए हैं। बंद के ऊपर फिलहाल मिट्टी डालने के लिए कह के गए हैं। सरसेड़ी में कट्टे लगा के गांव में घुसने वाला जो पानी है उसको बंद करने के लिए कह के गए हैं। जो नया बंद बनना है वो टांगरी नदी को 10-15 फुट डूंगी करके चंदपरे से माजरे से ले कर और जगाधी रोड तक जो पुल है उस तक बंद लगेगा। उससे आगे खोजगी पराली सड़क से जाके करधान तक जहाँ रेलवे का फाटक लेने हैं वहाँ तक बंद लगाया जाएगा और पानी सूखने के बाद इमीडिएट इस पर काम चल जाएगा, ये आश्वासन दे के गए मंत्री जी। मान्य मंत्री जी श्री अनिल विज जी ने आज हमारे एरिया का दौरा किया। वैसे तो उससे पहले बाढ़ में भी और मंत्री घर से निकले ये बाढ़ में भी सारा दिन घूमते रहे, रात को भी घूमते रहे। आज उन्होंने रामगढ़ माजरा से लेके रामपर, चरसेड़ी, चंदपरा और इधर करदान में सभी जगह दौरा किया। जो जो उन्होंने यहाँ की दिक्कतें थी स्थानीय लोगों ने बताई, मंत्री जी ने ध्यानपुर सुना और सबको आश्वासन दे के गए भी बहुत ही जल्दी इस पे जो बांधे का है कंक्रीट का बांधा वह खेलन तक का बोल के गए हैं जो भी होगा इसको मंजूर करा के बहुत जल्दी देंगे ताकि लोगों को बचाया जा सके।